हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इजी वाली रेसिपी जो ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है। तो यस, ये है चटकारा बोटी और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, बहुत ही ज़्यादा और टेस्टी होती है और इजी भी होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यस बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। यहाँ पर ना मैंने आधा किलो के करीब ली हूँ गोश्त और इसको मैंने एक पानी से वॉश कर ली थी और इसको मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ की बोटी बना ली हूँ। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कांदे, दो मीडियम साइज़ के कांदे ली हूँ स्लाइस करके। और गोश्त में अगर आप कांदा डाल करके धोते हो ना तो इसमें जो थोड़ी बहुत भी स्मेल होगी वो नहीं आएगी। और अगर आप कांदा नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें विनीगर भी ऐड कर सकते हो, उससे भी सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। बट मैं कांदा ज़्यादा प्रिफर करती हूँ और ये मेरी मम्मी का स्टाइल है कांदा डाल करके वॉश करना। तो कांदा डाल करके आप इसे 3-4 पानी से एकदम अच्छे से वॉश कर लीजिए। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मटन है वो अच्छे से वॉश हो चुका है और अब हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे एक प्रेशर कुकर में। आप ये जो कांदे के साथ में जो हमने मटन वॉश करके रखे ये ऐड कर लीजिए और आप चाहो तो थोड़ा सा ऑयल ऐड करके आप मटन को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद भी गला सकते हो। बट मैं ऐसा ज़्यादा प्रिफर करूँगी कि आप मटन के साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी और पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप इतना मतलब ऐड कीजिए कि आपका जो मटन है वो उसमें अच्छे से डीप हो जाए। इसमें ऐड करना है 1 से 1.5 टीस्पून नमक, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसको हम ढक्कन लगा करके प्रेशर कुक करेंगे हाई फ्लेम पर। और जैसे ही 1 सीटी आ जाएगी उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 15 से 20 मिनट हम इसे पकने देंगे। और बहुत ज़्यादा मत पकाइए वरना जो गोश होगा वो बहुत ज़्यादा गलने की वजह से टुकड़े हो सकते हैं। तो 1 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम लो कीजिए और फिर इसे पकने दीजिए। देखिए हमारा जो गोश है वो पक चुका है और अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो आप इसे हाई फ्लेम पर पानी अच्छे से सुखा लीजिए ताकि जो भी मसाला है वो अच्छे से गोश में चिपक जाए। तो अब जब मसाला सूख जाएगा तब गोश को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो गोश था ना मेरा वो बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने यहाँ पर इसे निकाली। उसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून नींबू का जूस और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड की हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी और थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करी हूँ। और सबसे लास्ट में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तंदूरी मसाला, तो मैंने 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला ऐड की। और नमक आप टेस्ट करना, फिर आपके हिसाब से आप नमक ऐड करना। अगर गोश में नमक थोड़ा कम होगा तो आप वहाँ पर उस एंड पर नमक ऐड कर देना। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कलर भी ऐड करी हूँ, तो ये फूड कलर है रेड कलर का, वो ऐड कर ली। गोश जो है ना वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म था इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी और फिर ये जब थोड़ा ठंडा हो गया तो उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर ली। और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मीडियम साइज़ की बोटी में अच्छे से जो मसाला है वो पूरा मिक्स हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का आटा ताकि जितना मसाला है वो अच्छे से इसमें बाइंडिंग हो जाए और ये जो गोश होगा जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी होगा। तो ये चटकारा बोटी आप ज़रूर बनाइए और आप इसे दाल चावल के साथ भी खाओगे या फिर आप इसे एज अ स्नैक्स खाओगे ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अच्छे से पूरा मसाला आप ऐड कर लीजिए और मतलब मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप इसे आधा घंटा मैरिनेट कर दीजिए और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले आप तेल को अच्छे से गर्म कीजिए और फिर उसका फ्लेम जो है वो मीडियम रखिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर अगर आप इसे फ्राई करोगे तो जो हमारी चटकारा बोटी है वो ऊपर से एकदम कड़क हो जाएगी, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करना है इसीलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई होने देंगे ताकि ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से ही अच्छे से जूसी लगे और इसका जो कलर है वो भी एकदम अच्छा सा रेड कलर हो। अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे करते हो तो जो बोटी है ना वो ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो इसे हल्का सा 3 से 4 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरी चटकारा बोटी है वो बनके रेडी हो गई, अच्छे से फ्राई हो गई और कलर भी इसमें बहुत अच्छा है। तो बाकी सारी जो बोटी है वो भी फ्राई कर लूंगी मैं। और आप ये भी कर सकते हो कि इसमें आपने जितना मसाला लगा करके आप फ्रिज में रख सकते हो, आप इसे 1-2 दिन बाद फ्राई कर सकते हो या फिर जब आपका मन करे तब आप इसे बस निकालो और फ्राई करो और फिर इसे खा लो।
तो यहाँ पर देखो मैंने जो है वो सारी बोटियाँ अच्छे से फ्राई कर ली थी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनी थी। इसके ऊपर आपको नींबू निचोड़ना है और कांदे के साथ में इसे खाना है। तो इसी तरह से जो मेरी चटकारा बोटी है वो बन करके रेडी हो गई है और मेरे घर में भी ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप इसे एज अ स्टार्टर खा सकते हो। तो आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी ये रेसिपी, तो आप जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना आपको कैसे लगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।